फिलहाल आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में आज भी चर्चा रहेगी जारी। 58 पुराने कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक और मजदूरी संहिता 2019 भी उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में बांध सुरक्षा बिल और जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन बिल समेत 3 अहम विधेयक। राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन विधेयक राज्यसभा से पारित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना मकसद। बिल को लेकर डॉक्टरों की सभी आशंकाओं को किया जाएगा दूर। बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा के प्रावधान वाले बिल और आर्बिट्रेशन और सुलह संशोधन बिल समेत 3 अहम विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी। अयोध्या भूमि विवाद मामले में गठित मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा विचार। मामले में आगे की सुनवाई या फिर मध्यस्थता प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर हो सकता है फैसला। 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने कल बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति से दुनिया की शिक्षा का केंद्र बनेगा भारत। द डायनेमिक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का संबोधन। लोगों से नई शिक्षा नीति के मसौदे पर सुझाव देने की अपील। शिक्षा को विकास और समृद्धि के लिए बताया जरूरी। गुजरात और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर। वडोदरा में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत। हालात सामान्य करने में जुटा प्रशासन। ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर में मॉनसून के सामान्य रहने की जताई उम्मीद। दोनों सदनों के एजेंडे में आज भी कई अहम विधेयक शामिल हैं। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 पर राज्यसभा में आज भी चर्चा जारी रहेगी। कल इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सरकार उस व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसका किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने या आतंकवाद को बढ़ावा देने या आतंकवाद से किसी भी तरह से संबंध हो। अब तक सिर्फ संगठनों को ही इन आधारों पर आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाता है। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। भारत नई शिक्षा नीति से दुनिया की शिक्षा का केंद्र बनेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में कल द डायनेमिक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन किताब के विमोचन पर यह बात कही। साथ ही उपराष्ट्रपति ने लोगों से नई शिक्षा नीति के मसौदे पर सुझाव देने की भी अपील की। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को विकास और समृद्धि के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से नालंदा और तक्षशिला का गौरवशाली अतीत फिर हासिल किया जा सकता है। इस किताब के लेखक प्रोफेसर J.S. राजपूत हैं। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन भी मौजूद थे। The recent launch of Chandrayaan 2 and other remarkable achievements in space science have unveiled before the world the Indian tradition for the quest of knowledge. Inspire and motivate young Indians and our scientists deserve all the praise for making us proud. Elsewhere, Indians working at NASA and Silicon Valley have made the country proud with their contributions. I feel that the need of the hour is to provide quality education at all levels to all people. I am glad the draft of the new education policy makes several out-of-box suggestions that have the potential to turn India into a global education hub. With the draft report placed for another round of receiving inputs, I hope that many more suggestions would come forth to make Indian universities achieve their rightful place in the global ranking. Sir, this new education policy, if it is implemented as contemplated, it is really going to revolutionize things in this country, because we now have very major national schemes like Mudra Yojana, this Startup India, Stand Up India, and so on. So at the graduation level, if the minds are open to entrepreneurship, not to going and seeking employment somewhere, then when they exit from that, and when they, if they were to exit from that with a skill, then
they are going to move towards the Mudra Yojana and or take up the startup or stand up India options that are available to them, and instead of seeking employment somewhere, they will be employing several people in their little enterprises. और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज़। नमस्कार।